हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अंदर अभी जो हम चला रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वर्ब। और जिसके अंदर हम सिर्फ बेसिक बातें पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ब ही सबसे ज्यादा बेसिक होती है। तो हमने बुक स्टार्ट करा रखी है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए नीतू सिंह के द्वारा, और उसके बाद हम करेंगे एसपी बख्शी। तो ये दो बुक करेंगे, काफी है। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 की दो क्लासेस ऑलरेडी दे चुके हैं। तो जिस बच्चे ने अगर वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो उसको पहले जाकर देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक इस समय चल रहा है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या बोलते हैं इसको? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मुख्य तौर पर इसके अंदर हम सिर्फ किसकी बातें करते हैं? मॉडल्स की। बहुत सारे मॉडल होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम दो मॉडल के बारे में बातें करेंगे, और पहले से ही मालूम है काफी सारी बातें, होनी भी चाहिए, ठीक है। तो अभी जो मॉडल मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर, वो है कैन और कुड, जो कि पिछले क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? कैन का और कुड का। तो देखो, ग्रामर में जितनी ज्यादा कमांड करनी है तो करने के लिए सबसे ज्यादा तुम्हारे पास किस चीज का कलेक्शन होना चाहिए? रूल्स का। तुम जितना ज्यादा रूल्स को पढ़ोगे, सीखोगे, देखोगे, समझोगे, उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। तो बढ़िया रहता है कि हम रूल को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। सबसे पहला रूल कैन के लिए, तो देखो कैन का रूल जो मैंने बनाया वो है कैप। कैप का मतलब क्या है? सी का मतलब यहां पर क्या होता है? सी का मतलब होता है कैपेसिटी। ए का मतलब यहां पर क्या है? ए का मतलब है एबिलिटी। और पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पावर। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं पर अगर तुम किसी टेंस के अंदर कैन का इस्तेमाल करते हो तो वो तुम्हारी तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। या तो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, किसी काम को करने की क्षमता है तुम्हारे अंदर, किसी काम को करने की क्षमता है तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, किसी काम को करने की योग्य हो तुम, किसी काम को करने की योग्यता है तुम्हारे अंदर। और पावर का मतलब है कि किसी काम को करने की शक्ति है तुम्हारे अंदर। तो ध्यान से देखो, तुम्हें इन तीनों शब्दों का मतलब मिलता जुलता लग रहा होगा। भाई लगना भी चाहिए, क्योंकि तीनों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कैन के लिए। जहां पर भी तुम कैन इस्तेमाल करोगे ना, तो कैन का यूज इन तीन चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों का मतलब तो सेम मरेगा ही बनेगा, ठीक है। तो तीनों का मतलब मिलता जुलता ही होता है, ठीक है। लेकिन कभी वो दिखाई देगा एबिलिटी के तौर पर, और कभी वो दिखाई देगा पावर के तौर पर, और कभी वो दिखाई देगा कैपेसिटी के तौर पर। अब बात करते हैं कुड की। तो देखो, कुड के अंदर भी ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुड के अंदर ये तीनों चीजें नहीं पाई जाती। तो कुड के अंदर भी ये तीनों चीजें आती हैं, बस इतना सा फर्क है, कैन होता है प्रेजेंट फॉर्म और कुड होता है पास्ट फॉर्म। कुड कहां पर इस्तेमाल करते हैं हम? इन जर्नल। इन जर्नल कुड का इस्तेमाल कहां पर होता है? पास्ट की सेंस में। और कैन का इस्तेमाल कहां पर होता है? प्रेजेंट और फ्यूचर की सेंस में, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर की सेंस में। लेकिन कुड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट की सेंस में ही होता है, इन जर्नल। कभी कभी 1% ऐसा केस होता है जब कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट की फॉर्म में भी हो जाता है, वो मैं बताऊंगा। तो बढ़िया रहेगा कि अब हम इनके बढ़िया से एग्जाम्पल देखें। देखो, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। पहले हिंदी समझ लेते हैं। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, मतलब वह बॉक्स उठा सकता है। कैन का मतलब क्या आ गया है? सकता है। हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सकता है। वह बॉक्स को उठा सकता है, मतलब कि उसके अंदर इतनी शक्ति है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो बक्से को उठा सकता है। तो यहां पर कैन का इस्तेमाल कैसे किया गया है? पावर के तौर पर। हाँ, तुम ये भी कह सकते हो कि उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर शक्ति है इसको उठाने की। एक और देखते हैं, सोनी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। तो देखो, फिर से कैन आ गया। तो ध्यान, पहले इसकी हिंदी देखते हैं। सोनी सारे क्वेश्चंस को हल कर सकती है। सॉल्व का मतलब क्या होता है? हल करना, मतलब उसके अंदर वो इतनी योग्य है कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगी। तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल कैसे किया गया है? यहाँ पर कैन का इस्तेमाल एबिलिटी के तौर पर किया गया है। तो कुल मिलाकर कैन का इस्तेमाल पावर की तरह करो, एबिलिटी की तरह करो, कैपेसिटी की तरह करो, कर सकते हैं। अब एक आध एग्जाम्पल कुड का भी देख लेते हैं।
देखो, she could not sleep last night. स्लीप का मतलब होता है सोना, वह पिछली रात सो ना सकी, ठीक है? तो यहां पर कुड का क्या मतलब हो गया, सकी, है ना, सकता था या सकी, ठीक है? तो वह पिछली रात सो ना सकी, तो देखो पिछली रात मतलब कि कौन सी सेंस बन गई, पास्ट सेंस। तो मैंने बताया था कि पास्ट सेंस के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का। अब वो पिछली रात सो ना सकी, तो बताओ पावर की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कैपेसिटी की। हो सकता है वो सोने में उसको दिक्कत हो रही हो, वो सक्षम ना हो सोने में, उसको कुछ तकलीफ हो, है ना, उसको कोई बीमारी हो, है ना, तो मतलब वो कैपेबल नहीं थी किस लायक, सोने के लायक, ठीक है? ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर सोने की एबिलिटी नहीं थी। तो कुल मिलाकर हम पावर का इस्तेमाल, एबिलिटी का इस्तेमाल, कैपेसिटी का इस्तेमाल करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कैन का या कुड का। अगर प्रेजेंट सेंस है तो कैन का, और अगर पास्ट सेंस है तो कुड का। तो रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो देखो कैन का इस्तेमाल पी आर क्यू के लिए भी किया जाता है। पी आर क्यू का क्या मतलब है, पी का मतलब है परमिशन, किसी से परमिशन लेना या किसी को परमिशन देना, ठीक है। आर का मतलब है रिक्वेस्ट, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना, ठीक है, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना। और क्यू का मतलब है क्वेश्चन, क्यू का मतलब क्या है, क्वेश्चन। तो देखो दिखने में ये तीन शब्द अलग अलग हैं, परमिशन, रिक्वेस्ट, क्वेश्चन, ये मिलते जुलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, परमिशन का क्या मतलब हुआ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो तुमने क्या करी, परमिशन करी। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ऐसा नहीं लग रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, या क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है, ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट है। अब क्वेश्चन, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ खाना खा सकता हूँ, क्या मैं आपके कपड़े पहन सकता हूँ, तो ये क्वेश्चन भी लग रहा है, रिक्वेस्ट भी लग रही है और परमिशन भी लग रही है। तो तीनों का मतलब एक ही है, परमिशन करो, रिक्वेस्ट करो या क्वेश्चन करो, बस बीच में एक चीज का ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट का। अभी पता चल जाएगा मैं रिक्वेस्ट पे स्टार क्यों बनवा रहा हूं, रिक्वेस्ट के बारे में एक चीज खास है। अब जरा एग्जांपल देखते हैं, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, गो का मतलब होता है जाना, तुम अब जा सकते हो। बताओ मैंने परमिशन ली या मैंने परमिशन दी, मैंने परमिशन दी, तो यहां पर बात हो रही है परमिशन की, तो मैंने उसको परमिशन दे दी कि तुम अब जा सकते हो। तो परमिशन लेना या परमिशन देना, दोनों के लिए कैन का इस्तेमाल। एक एग्जांपल और देखते हैं, कैन आई टच योर हैंड, क्या मैं आपका हाथ छू सकता हूं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि परमिशन ले रहा हूं, तो यहां पर परमिशन ले रहे हैं। अच्छा सोचकर देखो, ले तो परमिशन रहे हैं हाथ को छूने की, तो क्वेश्चन भी तो कर रहे हैं, क्या मैं आपका हाथ छू सकता हूं, तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चनिंग की गई एक तरीके से, भाई परमिशन लेना मतलब क्वेश्चन करना, या तो हाँ या ना। तो इस तरह से हम कैन का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन करने के लिए भी, ठीक है, परमिशन लेना या परमिशन देना, दोनों के लिए। एक और देखते हैं, देखो कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूं, फिर से क्या कर रहा हूं मैं, फिर से मैं परमिशन ले रहा हूं। अच्छा यहां पर स्कूटर लेने की बात हो रही है, तो यहां पर परमिशन की बात नहीं हुई कि यहां पर किस चीज की बात हुई कि रिक्वेस्ट की, यहां पर किस चीज की बात हुई कि रिक्वेस्ट की। देखो रिक्वेस्ट में और परमिशन में क्या फर्क होता है, वैसे कुछ खास फर्क नहीं होता, लेकिन थोड़ा तो फर्क होता है। परमिशन हम वहां पर लेते हैं जहां पर हमारा हक होता है किसी चीज का, वहां पर परमिशन चल जाती है। रिक्वेस्ट हम वहां पर करते हैं जो चीज हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए पूछ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास किताब है और तुम्हें किताब की जरूरत है, तो तुम उससे परमिशन नहीं लोगे, तुम उससे रिक्वेस्ट करोगे, क्या मुझे तुम्हारी किताब मिल सकती है, इट इज अ रिक्वेस्ट नॉट द परमिशन। बाकी अभी हम फिलोसफी की बात नहीं कर रहे हैं कि परमिशन में रिक्वेस्ट में क्या फर्क है, लेकिन अगर इन दो शब्दों के बारे में भी डीप नो, देखो हर एक शब्द के पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग होती है, उसको यूज करने का एक पर्पस होता है, अगर वो पर्पस माइंड में क्लियर है तो इंग्लिश में गलती नहीं होगी। तो
जरूरत है उस पर्पस को जानने की, क्योंकि गलत पर्पस के लिए गलत शब्द इस्तेमाल करोगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। कैन आई टेक योर स्कूटर, तो क्या मुझे आपका स्कूटर मिल सकता है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और बताओ इस तरह की रिक्वेस्ट अपने दोस्त वगैरह से ही करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट कैसी मानी जाएगी? ये रिक्वेस्ट एक तरीके से फ्रेंडली रिक्वेस्ट मानी जाएगी, फ्रेंडली अपने दोस्त से। अब मुझे बताओ अगर स्कूटर की जगह क्या है, अगर स्कूटर की जगह कार है, अगर स्कूटर की जगह क्या है, कार है, और तुम्हारे फ्रेंड की जगह तुम्हारा बॉस है, तो तुम अब अपने बॉस से ये बोलोगे कि क्या मैं आपकी कार ले सकता हूं? ये कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब तुम किसी फ्रेंड वगैरह से या अपने किसी जानकार से या अपने किसी नॉर्मल बंदे से कुछ चीज मांग रहे हो तो तुम्हें कैन का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब वो कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट ना हो, वो कैसी रिक्वेस्ट हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट, तो तुम्हें इस्तेमाल करना है कुड का। जैसे कि देखो, कुड आई ड्राइव योर कार, तो मैंने कुड लगा दिया, क्या मैं आपकी कार चला सकता हूं? यहां पर पास्ट के लिए नहीं आया, यहां पर पास्ट की वजह से कुड नहीं आया है, यहां पर कुड इसलिए आया है क्योंकि मैंने कैसे रिक्वेस्ट करी है, फॉर्मल। इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि मैं जिससे कार चलाने की बात कर रहा हूं ना, वो बंदा बड़ा है, उसका लेवल बड़ा है, ठीक है, उसका ओहदा बड़ा है, हो सकता है वो मेरा बॉस हो। तो कुड आई ड्राइव योर कार, तो हमें अपनी रिक्वेस्ट को अगर फॉर्मल बनाना है तो कुड, और अगर हमें अपनी रिक्वेस्ट को फ्रेंडली बनाना है तो कैन। तो अगर किसी बंदे ने कैन का इस्तेमाल करा है तो वो तुमसे एज अ फ्रेंड पूछ रहा है, और अगर तुम्हारे किसी टेंस में कुड का इस्तेमाल हुआ है तो वो कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं है, इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। ये बेसिक डिफरेंस ध्यान रहना चाहिए। तो देखो, कैन और कुड के अभी तक हमने कितने रूल कर लिए, दो रूल कर लिए, वैसे इसके चार रूल है फिलहाल। देखो, रूल की तो कोई कमी नहीं होती, किसी भी बुक को जब पढ़ते हो ना तो बुक की एक कैपेसिटी होती है तुम्हें कुछ देने की, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि सिर्फ एक ही बुक को लेकर बैठ जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी बुकें पढ़ लो, मैं ये कह रहा हूं जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो उस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज लेने की कोशिश करो, अंधाधुंध उस टॉपिक के अंदर जितना ज्यादा तुम घुसोगे उतना ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग होते चले जाएंगे और तुम्हें उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो डीप होती जाएगी, जो कि तुम्हें बेहतरीन बनाती चली जाएगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज इन दो रूलों पर ही एंड करते हैं, लेकिन कैन और कुड का टॉपिक अभी चलेगा नेक्स्ट क्लास में भी, तो वेट करना नेक्स्ट क्लास के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर ये वीडियो पसंद आई है और ये रूल अगर तुम्हें समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे किसी भी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन तुम मिस ना कर पाओ, और किसी जरूरतमंद इंसान को ये लिंक जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।